सर्किट में आर क्या होता है, रेजिस्टेंस, एल क्या होता है, इंडक्टर, सी क्या होता है। कैपेसिटर। ठीक है, आरएलसी सर्किट को हम किस तरह के सोर्स के साथ डील कर रहे हैं यहाँ पे, एसी सोर्स के साथ कर रहे हैं। एसी सोर्स की एक फ्रीक्वेंसी होती है, एसी सोर्स की एक फ्रीक्वेंसी होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसका किस चीज से दिया जाता है, उसका फंक्शन क्या लिखते हैं हम एसी सोर्स को, एसी सोर्स का फंक्शन क्या लिखते हैं, वी इज इक्वल टू, यहाँ एसी सोर्स बना के नीचे लिखते हैं ना, वी इज इक्वल टू कितनी देर क्यों लगाई बेटा। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्शन, एक्सेल, एक्सेल इज इक्वल टू, झूठी, हाँ एल ओमेगा, यूनिट क्या होते हैं, ओम्स। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, एक्स सी, 1/C ओमेगा, 1/C ओमेगा के यूनिट क्या होते हैं, ओम्स। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रेजिस्टेंस इज वो कैसे डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ आ गया। अब हमने ध्यान से सुनना सवाल, एक इंडक्टर के अक्रॉस 1.5 वोल्ट का सेल लगा दिया, क्या किया, एक इंडक्टर के अक्रॉस 1.5 वोल्ट का सेल लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगी, कॉइल इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 1.5 वोल्ट, व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल, इस चीज का तो सवाल ही नहीं है। हाँ बेटा, 1.5 वोल्ट का सेल कैसा सोर्स है, एसी डीसी, डीसी सोर्स है, डीसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, डीसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बता दो। चलो, उसको डीसी बोलते हैं, उसमें फ्रीक्वेंसी होती नहीं है, कहाँ होती फ्रीक्वेंसी, उसमें जीरो होती है, डायरेक्ट है वो, जीरो तो एक्सेल जीरो हो गया, यही आंसर है, एक्सेल इज जीरो, एक्सेल इज जीरो फॉर डीसी, हमेशा याद रखना, एक्सेल इज जीरो फॉर डीसी। हम बोलते हैं एक कॉइल एक्ट्स एज ए शॉर्ट सर्किट फॉर ए डीसी करंट, इस बात को कैसे बोला जाता है, एक कॉइल एक्ट्स एज ए शॉर्ट सर्किट फॉर डीसी करंट, क्योंकि वो कोई इंपीडेंस शो नहीं करती है। ठीक है, ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए डीसी सोर्स, ठीक है, व्हाट कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज देयर, अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा बेटा, 1/C ओमेगा, और ओमेगा क्या होता है डीसी में, जीरो, तो क्या होगा, इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसको हम कैसे बोलते हैं, एक कैपेसिटर एक्ट्स एज एन ओपन सर्किट, और कैपेसिटर एक्ट्स एज एन सर ओपन, गुड इवनिंग बेटा, एक कैपेसिटर एक्ट्स एज एन ओपन सर्किट फॉर डीसी करंट, क्या डीसी को ब्लॉक करता है, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, कैपेसिटर अलाउज एसी, इंडक्टर उल्टा करता है, इंडक्टर अलाउज डीसी ब्लॉक्स एसी। ठीक है, पूरा ब्लॉक नहीं करता है, उसको रोकता है। हमारा आज का टॉपिक है रेजोनेंस, पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी एसी सर्किट में रेजोनेंस कब होगा, जब उसमें एल और सी दोनों मौजूद होंगे। ठीक है, व्हेन बोथ एल एंड सी आर प्रेजेंट इन एन एसी सर्किट ये रेजोनेंस विल अकर। ठीक है, किसी भी एलसीआर सर्किट का अगर हम टोटल इम्पीडेंस जानना चाह रहे हैं तो कितना मिलेगा हमें, कैसे मिलेगा, व्हाट इज द रिलेशन फॉर इम्पीडेंस ऑफ एन एलसीआर सर्किट,
इम्पीडेंस को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है। एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्ससी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इम्पीडेंस दिया जाता है आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वेयर अंडर जीरो, क्योंकि ये रुकावट का काम कर रहे हैं एसी के लिए, इसलिए इसके यूनिट्स क्या मिलेंगे, ओम्स। इसके यूनिट्स ओम्स होते हैं, ये भी ध्यान रखें। तो उस एसी सर्किट में करंट कितना मिलेगा, आपसे बोला जाएगा फाइंड दी करंट इन एसी सर्किट, ठीक है। वोल्टेज दी होगी तो पहले आपको इम्पीडेंस निकालना होगा, टोटल इम्पीडेंस निकालने के बाद करंट निकालेंगे। करंट निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, वी इज इक्वल टू आई इन टू आर, आर की जगह में क्या यूज करना है, जेड। सो करंट विल बी गिवन बाय वी अपॉन जेड, ठीक है। अब हमने लास्ट क्लास में बात की थी, अगर एक्सएल एक्ससी से ज्यादा हो जाता है, इफ एक्सएल इज मोर देन एक्ससी, व्हाट टाइप ऑफ सर्किट इज दिस, इंडक्टिव। इफ एक्ससी इज मोर देन एक्सएल, देन दिस सर्किट इज कैपेसिटिव, एंड इफ दीज टू बिकम्स इक्वल तो रेजोनेंस होता है। इफ दीज टू बिकम्स इक्वल तो रेजोनेंस होता है। अब देखो कितनी साधारण सी बात है, ये दोनों बराबर तभी होंगे जब L और C दोनों होंगे, ठीक है। तो इनका होना जरूरी है, ठीक है। तो स्पेशल कंडीशन क्या है रेजोनेंस की, रेजोनेंस विल अकर XL इज इक्वल टू XC, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर, वो फ्रीक्वेंसी जिस पे ये रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट, कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अगर सिंपल आता है व्हाट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दी सर्किट, तो इसका मतलब वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। रेजोनेंस से डायरेक्ट मतलब रेजोनेंस का ही है, मगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं तो उसका मतलब भी रेजोनेंस से ही होता है, दोनों वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है। एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ओमेगा नॉट, ये स्पेशल फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी फ्रीक्वेंसी चल रही हो वो ओमेगा होगी, ठीक है। अब इस कंडीशन में फिर क्या होगा, व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, एल ओमेगा नॉट इज इक्वल टू वन अपॉन सी ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट इधर भी ओमेगा नॉट इधर भी, इकट्ठे कर लेते हैं ओमेगा नॉट को, इकट्ठा कर लेते तो क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन एल सी, और ओमेगा नॉट इज इक्वल टू, हाँ बेटा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिए ओमेगा नॉट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देयरफॉर अगर हमें एलसीआर सर्किट में सिर्फ L और C की वैल्यू पता है तो हम ये बता सकते हैं कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है। दैट विल बी गिवन बाय ओमेगा नॉट इज इक्वल टू वन अपॉन एल सी। चले आगे, ठीक है। लिखो एक क्वेश्चन, एन एलसीआर सर्किट हैज एन इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी एंड अ कैपेसिटर ऑफ कितने मिली हेनरी, 25, 400 माइक्रोफेरेड, फाइंड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। तो बेटा यहाँ पे दो चीजें दी हुई हैं, एल की वैल्यू दी हुई है 25 मिली हेनरी और सी की वैल्यू दी हुई है 400 माइक्रोफेरेड, ओके। आपको ओमेगा नॉट की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व कर लीजिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल सी, 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, कितना हो गया ये, 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 6, 9, 4 गए 10 टू द पावर माइनस 5, ठीक है। तो 1 अपॉन रूट एल सी
ये कितना हो जाएगा, 1/√10⁻¹। ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये 100√10 आएगा। पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, 10,000 का रूट 100 होके बाहर आएगा, अंदर 10 बच जाएगा, ठीक है, ये समझ में आया। √10 की वैल्यू कितनी होती है मालूम है, हैं? सुनती नहीं मेरी बात ध्यान से बेटा, √10 की वैल्यू क्या होती है, √10 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है पाई, ठीक है। अब याद नहीं रखोगे तो फिर यहाँ पे छोड़ दोगे आप इसको। सो 3.141, 314.1 रेडियन पर सेकंड। हाँ बोलो। किसी भी LCR सर्किट के लिए हम यहाँ करंट बनाते हैं, यहाँ पे Z का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। अब XL जो है, हाउ XL वेरीज विद ओमेगा, XL ओमेगा के हिसाब से कैसे चेंज होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। सो दिस लाइन रिप्रेजेंट्स XL, XC ये कैसे वेरी करता है, अभी आपको बताया था, ये डीसी का कंडीशन है, जीरो फ्रीक्वेंसी इस डीसी, तो डीसी के लिए XC क्या होता है, इनफाइनाइट, मतलब ऊपर से आएगा, तो जब फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी तो इसकी वैल्यू जीरो होती चली जाएगी, दिस इज XC, ठीक है। अब ये दोनों चीज कहां बराबर हो रही है, XL और XC कहां बराबर हो रहे हैं, दिख रहा है आपको, दिख तो रहा है, बताओ। हाँ, इंटरसेक्शन पॉइंट पे, ये वो पॉइंट है जहां पे दोनों बराबर हो गए, इस फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा नॉट कहते हैं, ये हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से नीचे XC ज्यादा होता है, XL कम होता है, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से आगे XL ज्यादा होता है, XC कम हो जाता है, पलट जाता है। अब इससे नीचे, ओमेगा नॉट से नीचे, मेरी बात ध्यान से सुनना, ओमेगा नॉट से नीचे क्या XL माइनस XC जीरो होगा, पूछ रहा हूँ क्या जीरो होगा सर, हो सकता है सर, नहीं नहीं ओमेगा नॉट से नीचे बेटा, यहाँ पर XL माइनस XC, XL ये रहा, XC ये रहा, दिस माइनस दिस, क्या ये जीरो चीज होगी, कुछ वैल्यू होगी इसकी, ठीक है सर, इधर जीरो होगी या तो माइनस में होगा, नहीं नहीं जीरो यहाँ पर होगी, यहाँ जीरो नहीं होगी, इधर से भी आंसर सुन, ठीक है, जीरो बेटा सिर्फ ओमेगा नॉट पे होगी, इससे नीचे आएंगे तो फिर ये नॉन जीरो क्वांटिटी होगी, और इससे आप आगे चले गए तो भी ये दोनों नॉन जीरो क्वांटिटी होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जेड वाली जो चीज है, इम्पीडेंस जो है, ठीक है, यहाँ पे आर स्क्वायर के साथ ये वाला फैक्टर भी जुड़कर आ रहा होगा, अगर हम ओमेगा नॉट से नीचे हैं या ओमेगा नॉट से आगे हैं, इसका मतलब इम्पीडेंस की वैल्यू इस आर की वैल्यू से ज्यादा होगी, इम्पीडेंस की वैल्यू आर की वैल्यू से ज्यादा होगी, क्योंकि आर स्क्वायर के साथ कुछ और ऐड हो रहा है, ठीक है। सिर्फ ओमेगा नॉट पर ये दोनों बराबर हो रहे हैं, सिर्फ ओमेगा नॉट पे ये दोनों बराबर हो रहे हैं, और बराबर हो रहे हैं इसलिए जीरो हो जा रहे हैं, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। एट रेजोनेंस द इम्पीडेंस ऑफ द LCR सर्किट इज मिनिमम एंड दैट इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो नॉर्मली करंट जो है दैट विल बी गिवन बाय वी अपॉन जेड, जेड की वैल्यू मिनिमम होगी तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, जब जेड मिनिमम होगा तब करंट मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी करंट की, आई एम, मैक्सिमम करंट इज
वी अपॉन आर, ठीक है, और ये होगा एट रेजोनेंस। ठीक है, तो जेड का ग्राफ कैसे बनेगा? चलो पहले आर का बना देते हैं। लाइन ही बढ़ जाएगा क्या? ये आर की लाइन है जो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है, सारी फ्रीक्वेंसी के लिए आर इतना ही रहेगा। सर, हाँ बेटा, सर आई एम इज इक्वल टू वी एम अपन आर रहेगा। वी एम, यहाँ पे वी एम लिखोगी तो यहाँ भी वी एम होगा, ये वो वी एम नहीं है, ये वी है, दूसरा है सर, वाला ये वी एम नहीं है, ये सिर्फ वी है, ओके सर, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के साथ भी आपको ये मैक्सिमम ही मिलेगा क्योंकि इम्पीडेंस मिनिमम, ठीक है। जेड का ग्राफ कैसे बनेगा? जेड की वैल्यू तो यहाँ पर आर के बराबर है क्योंकि एक्स एल एक्स तो खत्म, मगर यहाँ पे भी जुड़ के आएगा कुछ, यहाँ भी जुड़ के आएगा, तो यहाँ से ये वैल्यू ऐसे जाएगी जेड की, इधर से ऐसे जाएगी। सो दिस ग्राफ इज सेट। और रेजोनेंस पे करंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा, ठीक है, ये मैक्सिमम करंट मान लो, ये दिस इज मैक्सिमम करंट आई एम। तो अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से हम नीचे आते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से नीचे आते हैं तो इम्पीडेंस बढ़ रहा है, और क्योंकि इम्पीडेंस बढ़ रहा है इसलिए करंट घटेगा, ठीक है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से आगे जा रहे हैं तो भी इम्पीडेंस बढ़ रहा है इसलिए तो भी करंट घटेगा, सिर्फ यहाँ पे मैक्सिमम होगा, इधर भी कम हो रहा होगा, इधर भी कम हो रहा होगा, मतलब करंट का जो स्टेट है वो इस प्रकार से है। सो दिस इज आई, ठीक है, हमने एक ही ग्राफ में सारी चीजें बनाई है, आपको ध्यान देना है, ठीक है, और इसको अच्छे से समझना भी है। ग्राफ पे बेस अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से कर सकना चाहिए, ठीक है। री पॉइंट क्लियर? चलें बेटा आगे, पावर इन एसी सर्किट। नॉर्मल डीसी के अंदर, ठीक है, पावर कंज्यूम होती है, एंड पावर कंज्यूम्ड इन अ डीसी सर्किट इज गिवन बाय वोल्टेज इनटू करंट और आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। एसी सर्किट में ये कैसे होते हैं? दिस वी वांट टू सी, ठीक है। तो किसी भी एसी सर्किट में अब हम मान के चल रहे हैं कि वो रेजोनेंस पे नहीं है, हम एक सिंपल सिचुएशन लेके चल रहे हैं, रेजोनेंस की स्पेशल कंडीशन होती है, ठीक है। तो जब हम रेजोनेंस की बात नहीं कर रहे तब हम उसके अलावा वाली बात कर रहे, ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर? तो किसी भी एलसीआर सर्किट में कितनी पावर डिलीवर हो रही, सोर्स की कितनी पावर खर्च हो रही, ठीक है, ये चीज हम जानना चाहते हैं। सो हाउ डू वी डू दिस, ठीक है, ये बात समझ में आ रही? तो नॉर्मली किसी भी एलसीआर सर्किट में हमने देखा है कि करंट और वोल्टेज सेम फेज में नहीं होते, करंट और वोल्टेज सेम फेज में या तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में होते हैं या फिर रेजोनेंस पे होते हैं, ठीक है। अब हम एलसीआर सर्किट की बात कर रहे हैं, साथ में रेजोनेंस की बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वोल्टेज एंड करंट आर नॉट इन फेज, ठीक है, ये बात क्लियर है। इसका ये मतलब भी होता है कि देर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, देर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। वो फेज डिफरेंस किससे दिया जाता है? हमने इम्पीडेंस डायग्राम में पढ़ा था, ठीक है, लिखो द पावर डिलीवर्ड इन एन एलसीआर सर्किट व्हेन कनेक्टेड टू ए सोर्स वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। वी नो दैट There is a phase difference between voltage and current. ठीक है, this phase difference is given by tan phi is equal to, क्या फॉर्मूला बनाया था बेटा इसको? वेरी गुड, ऐसे याद रहना चाहिए, पिक्चर से ध्यान रहना चाहिए, एक्सएल माइनस एक्स सी मोड अपॉन आर, ठीक है, पिक्चर से ध्यान रखो चीजों को,
आसानी आसानी रहती है रिकॉल करने। ओके अब क्योंकि करंट तो सेम फेज में है नहीं, हाँ बेटा, तो कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होगा, ठीक है। लेट द करंट इन द सर्किट बी, देखो लेट द करंट इन द सर्किट बी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये फाइव क्या फेज डिफरेंस है। अब इस वोल्टेज से या तो करंट आगे भाग रहा है या पीछे भाग रहा है, जो भी वो फाइव की वैल्यू से पता लगेगा, ठीक है। अगर ये वोल्टेज है ये करंट है, ठीक है, तो फिर पावर कैसे दी जाएगी, हाउ डू वी गिव इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर टू द सर्किट। हाँ ठीक है, लिखिए आगे, द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द सर्किट इज गिवन बाय स्मॉल पी इज इक्वल टू वी इंटू आई। ये इंस्टेंटेनियस पावर वैल्यू डाल दो, क्या मिलेगा, V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो साइन ए साइन बी वाली सिचुएशन आ गई हमारे पास, ठीक है। तो यहां से प्रोसीड करने से पहले हम क्या करते हैं, टू से डिवाइड टू से मल्टीप्लाई, V नॉट I नॉट अपॉन टू, उसे क्या लिख सकते हैं, टू साइन सी साइन डी क्या होता है, टू साइन सी साइन डी क्या होता है, साइन सी माइनस डी माइनस साइन सी प्लस डी। फॉर्मूले क्यों नहीं याद कर रहे हो, ऐसे आने चाहिए फटाफट, टू साइन सी साइन डी, टू साइन सी साइन डी, ठीक है। यू जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस, so this power p is equal to v naught I naught upon 2 cos phi minus cos 2 omega t plus phi, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दें, phi क्या है बेटा, phi क्या है, phase difference, क्या ये change हो रहा है, क्या ये quantity change हो रही है with time, क्या ये quantity change हो रही है with time, नहीं, फेज डिफरेंस है कांस्टेंट है, वो तो चेंज तब होगा ना जब एल और सी में कुछ फर्क आएगा, उसमें तो फर्क ही नहीं आ रहा, वो तो वही है। सो दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज, ये मैक्सिमम वैल्यूज हैं, ये भी दीज आर नॉट गोइंग टू चेंज, ये भी ऐसी रहेंगी। तो कौन चेंज होगा, टाइम के साथ ये वाली चीज चेंज होगी, टाइम के साथ ये वाली चीज चेंज होगी। तो इसमें जो एसी कंपोनेंट है वो इसकी वजह से, पावर में जो एसी कंपोनेंट है वो इसकी वजह से, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो टू फाइंड द एवरेज पावर डिलीवर्ड ओवर कंप्लीट साइकिल, देखिए टू फाइंड एवरेज पावर डिलीवर्ड ओवर कंप्लीट साइकिल्स टेकिंग द एवरेज, तो इसकी एवरेज पावर क्या होगी, कैपिटल पी से आ जाएगी, वी नॉट आई नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, वी नॉट अपॉन रूट टू आई नॉट अपॉन रूट टू, ये रहेगा कॉस फाई ऐसे ही, और ये क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। दिस वी नॉट अपॉन रूट टू, अब ये क्या चीज होगी, वी आर एम एस, दिस इज वी आर एम एस आई आर एम एस मल्टीप्लाई आर एम आई आर एम एस, और पी इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, बहुत तगड़ा रिजल्ट है, ठीक है। नॉर्मली हम क्या देखते हैं, पावर डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है, मगर एसी सर्किट में क्या मिल रहा है हमें, पावर डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज करंट एंड वन मोर फैक्टर दैट इज कॉस फाई, ठीक है। देखो हेयर वी सी दैट पावर डिपेंड्स अपॉन आर एम एस वोल्टेज आर एम एस करंट एंड वन मोर फैक्टर कॉस फाई कॉल्ड पावर फैक्टर ऑफ ए सी सर्किट। क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय पावर फैक्टर, ठीक है, एक नंबर का सिंपल क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय पावर फैक्टर, तो क्या जवाब देंगे, कोसाइन ऑफ
the phase difference. Cosine of the phase difference in an AC circuit is called the power factor of AC circuit. ठीक है? तो V और I के अलावा cos phi भी एक ऐसी चीज है यहाँ पर जो कितनी पावर हम यूज कर पा रहे हैं, ठीक है, उसको डिटरमाइन करती है. ठीक है, चले आगे. अब यहाँ पे क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं? When phi is equal to zero, cos phi क्या हो गया? One. ठीक है, देखो, this is possible when the circuit is purely resistive or in resonance condition. ठीक है, maximum power is delivered to the circuit. इस कंडीशन में ये पावर जो होती है मैक्सिमम होती है. ये आंसर है. The value of cos phi ranges between plus one and minus one. ठीक है, अब हम एवरेज वैल्यू ले रहे हैं तो 0 to 1. इसके अलावा, वन के अलावा अगर कोई वैल्यू होगी तो फ्रैक्शन ही होगी तो पावर घटेगी. ठीक है, ये समझ में आ रहा है? हाँ जी. तो क्या लिखा है इसके साथ? मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड टू दी सर्किट. ठीक है, केस सेकंड, व्हेन फाई इज इक्वल टू पाई बाय टू, तो कॉस फाई क्या हो जाएगा बेटा? जीरो. इसे क्या मतलब हुआ? झूठ बोल रही हो तुम. नहीं नहीं, वो तो माइनस वन पर होगी मिनिमम. पी के लिए क्या होगी? हाँ, जीरो. पावर ही नहीं है. नो पावर इज डिलीवर्ड, नो पावर इज डिलीवर्ड टू दी सर्किट. इन दिस कंडीशन कि सर्किट इज आइदर और प्योरली कैपेसिटिव, सच ए पावर इज कॉल्ड वॉटलेस पावर. ठीक है, अब ये दूसरा क्वेश्चन बन गया यहाँ पे. व्हाट इज वॉटलेस पावर? ध्यान रखो जवाब कहाँ पर है. ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसकी हमें जरूरत कहाँ है? सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ होती है इस वॉटलेस पावर की? बिजली कहाँ बना रहे हैं हम? हिमाचल के पहाड़ों में बना रहे हैं. और पंखा कहाँ चला रहे हैं? फरीदाबाद में. तो वहां से यहाँ तक तो पावर आई ना. कैसे आई? हवा के थ्रू उड़ के आई. कैसे आई? तारों में से आई. बता दो, वहां से यहाँ तक पावर कैसे आ रही बेटा? तारों में से तो आ रही है. ग्रिड जो कमिन, ये केबल है, पावर की केबल्स हैं. आप बड़े बड़े टावर्स नहीं देखते हो? उनके थ्रू तो आ रही है. अब यहाँ से वहां तक कई 100 किलोमीटर की तारों में क्या रेजिस्टेंस नहीं होगा? मतलब यहां से वहां तक तारें बन रही है? बिल्कुल, पूरे भारत में उजाल है तारों का. जैसे हर गली में तारे लगी हुई हैं और वो तारे ट्रांसफार्मर पे जाती है. ट्रांसफार्मर को जो इनपुट आ रहा है वो जाके पावर हाउस पे जाता है. ठीक है, और वहां पे कहां से आ रही है? वो बड़ी टावर की पावर से उसके अंदर आती है. हाँ, स्टेप बाय स्टेप. तो ये ग्रिड पूरे भारत में फैला हुआ है. जहां पे भी पावर हाउसेस हैं उनके कनेक्शन इन ग्रिड के साथ है. ठीक है, ऐसा नहीं एक ग्रिड, एक ही पावर स्टेशन की एक ही तार, ऐसा नहीं है. ये सारी तारें आपस में कनेक्टेड है और सारे पावर हाउसेस इनके साथ कनेक्टेड, सारे मिलके इसमें पावर दे रहे हैं और हम सब पावर कंज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, अब वहां से यहां तक पावर आ रही है तो इतने किलोमीटर की तार में रेजिस्टेंस नहीं होगा, और वो रेजिस्टेंस होगा तो आई स्क्वायर आर लॉसेस नहीं होंगे उसमें. ठीक है, तो बिजली तो वैसे ही फूक जाएगी सारी, यहां तक तो पहुंचेगी नहीं. ठीक है, तो हम क्या करते हैं? उसको वॉटलेस बनाते हैं. उसको वॉटलेस बनाते हैं कि वहां से यहां तक आने में पावर कंज्यूम ही ना हो. ठीक है, पावर तो हो मगर यूजेबल स्टेट में नहीं. ठीक है, ट्रांसमिशन में स्पेशल यूज किया जाता है. ठीक है, तो कहाँ यूज होगी वॉटलेस पावर? इन पावर ट्रांसमिशन सिस्टम वॉटलेस पावर इज यूज. इन पावर ट्रांसमिशन वॉटलेस पावर इज यूज. ठीक है, अब ये वॉटलेस कैसे होता है? आप वॉटलेस काम करेंगे. आ जाओ बेटा, पहन लेके अपना. हाँ, अभी हम एक रोल अदा करेंगे. ठीक है, जो ये बताएगा कि वॉटलेस कैसे होता है. ठीक है,
अभी मैं ऐसे करूंगा, ठीक है, और ऐसे करूंगा अभी। अब ये साइकिल है, ये साइकिल, ठीक है, समझ आ रहे हैं? आपको भी ऐसे करूंगा, ठीक है। जब मैं ऐसे कर रहा हूं इसका मतलब मैं अपना पेन आपको देना चाह रहा हूँ, और जब आप वैसे कर रही हो तब मैं आपका पेन लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। मगर फर्क कहाँ होगा? जब मैं ऐसे करूंगा तभी हाथ ऐसे कर लेगी, और जब ये ऐसे करेगी मैं हाथ ऐसे कर लूंगा, ठीक है, करो। तो क्या कभी हम पेन एक्सचेंज कर पाएंगे? तो पावर डिलीवरी नहीं होगी। जब वोल्टेज है तो करंट नहीं है, जब करंट है तो वोल्टेज नहीं है, ठीक है, समझ आया? जाओ बेटा, ये पॉइंट समझ आया? साथ साथ नहीं चल रहे हैं। जब वोल्टेज है तब करंट जीरो है, और जब करंट आ रहा है मैक्सिमम तब वोल्टेज जीरो। आगे पीछे चल रहे हैं, साथ नहीं चल रहे, ठीक है। सो ये वॉटलेस स्टेट कहलाती है, क्लियर हुआ? ठीक है। और इसके अलावा जो थर्ड स्टेट होती है नॉर्मल एलसीआर सर्किट, ठीक है, उसके अंदर पावर डिलीवर होती है, और वो पावर फिर इसी के हिसाब से डिलीवर होती है, वी आई कॉस थीटा। साइकिल में जो मॉड्यूलस लेते हैं, हाँ बेटा, साइकिल में सर चोक कॉइल जब पढ़ेंगे सर, सब ये वाला ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं बोलो, पूछो चोक के बारे में, पूछो आप क्या पूछना है। तो मैंने जो जो बातें बतानी थी मैंने बता दी सारी, शाबाश, ठीक है। चैप्टर खत्म नहीं, अभी ट्रांसफार्मर रह गए। अभी एक अच्छा क्वेश्चन पूछा बच्चे ने, चोक कॉइल के बारे में कुछ पूछना चाह रहे हैं, मैं बता देता हूँ। पहले कोई भी कॉइल जब ऐसा दो लाइन के साथ बनाई जाती है, इसका मतलब उसमें कोर प्रेजेंट है, इसका मतलब उसमें कोर प्रेजेंट है, तो ये दो लाइन कोर को रिप्रेजेंट करती है। अब एसी सर्किट में आप चोक कॉइल लगा सकते हैं, या एसी सर्किट में आप श्योर रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो मेरे पास सोर्स वोल्टेज है 50 वोल्ट 50 हर्ट्ज, मगर मेरे पास जो बल्ब है वो 30 वोल्ट का है, 30 वोल्ट का बल्ब है, तो मैं ये अरेंजमेंट भी यूज कर सकता हूँ, मैं ये अरेंजमेंट भी यूज कर सकता हूँ। फिर 50 वोल्ट में से 30 वोल्ट चाहिए, 20 वोल्ट यहाँ रुक जाएगी, ठीक है, ऐसी रेजिस्टेंस लगाऊंगा तो 20 वोल्ट यहाँ रुक जाएगी, 30 वोल्ट इसको मिल जाएगी, ठीक है। मगर इसमें से ये वाला हम यूज करते, ये वाला नहीं करते, क्यों? इसको यूज करते हैं, इसको नहीं करते, कौन जवाब देगा? तो एसी में रेजिस्टेंस तो यूज कर सकते हैं, फिफ्टी वोल्ट 50 हर्ट्ज यही वाला रेजिस्टेंस है, नीचे वाला यूज कर सकते हैं सर, क्या कह रहा है? ये सोर्स है बेटा, सोर्स वोल्टेज अप्लाई की वो वाली चीज है, ठीक है। यहाँ पे मैंने L, ये L है, ये R है, तो इन दोनों में से हम ये वाला यूज करते हैं, ये वाला यूज नहीं करते। मैंने आंसर दे दिया, आपको इसका रीजन देना है कि हम इसको क्यों यूज नहीं करते, इसको क्यों करते हैं, है? अब जितना सिंपल सोचोगे ना उतनी जल्दी आंसर दे दोगे। फेरे ज्यादा होने के कारण एल की काफी ऊंचाई हो जाती है, इसीलिए। दोबारा बोलो सर, एल की ऊंचाई ज्यादा हो जाती है फेरे ज्यादा होने के कारण। बोलो, बहुत सिंपल आंसर है इसका, जो हमने करा है पीछे करके आए हैं, तो यार कि तुम इतने एकदम ब्लैंक हो जाते हो। सर इसमें आर लगभग शून्य होता है। नहीं नहीं इसमें आर, ठीक है, आर लगभग शून्य होता है, वो ठीक कह रहे हो आप, मगर हम इसको यूज करते हैं, इसको नहीं करते। हाँ, चाहेगा कि अपनी जो भी जितना भी करंट पास कर रहा है वो उतना ही रहे, और जबकि रेजिस्टेंस आप चाहे टाइम बढ़ाते रहोगे तो उसकी टेम्परेचर के साथ साथ उसकी रेजिस्टेंस या तो कम होगी या तो बढ़ती रहेगी। रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है,
इससे भी सिंपल आंसर है बेटा ना, इससे भी आंसर सिंपल है, नहीं इससे भी सिंपल आंसर है। बेटा ध्यान दो, आई स्क्वायर आर किसी भी कॉइल के अंदर पावर लॉस नहीं होते हैं, पावर लॉस इन ए कॉइल इज जीरो, हम करके आए ना, मगर रेजिस्टेंस में होते हैं, आई स्क्वायर आर होते हैं। अगर हम रेजिस्टेंस यूज कर लेंगे तो हमारा पर्पज तो सॉल्व हो जाएगा, मगर ये जो लॉस हो रहा है ये किसी के भी काम का नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम वोल्टेज को यहाँ पे ड्रॉप करते हैं मगर पावर बचा लेते हैं। ये बात समझ में आ रही है, व्हाई चुप कॉइल इज यूज इन सीरीज, बिकॉज इट डू नॉट वेस्ट पावर, ठीक है, इट ब्लॉक्स वोल्टेज बट इट डू नॉट वेस्ट पावर। क्वेश्चन है इसके ऊपर, क्वेश्चन आते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो कितना इंडक्टर यूज किया जाए।